Yeah. कुछ ऐसे वैसे आत्मात करते हैं हम मनोज भाई ऐसे थैंक यू सर थैंक यू अरे वो फ्रूट रूम थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जो जिंदगी शतरंज है तो मतलब टाइटल ही कुछ मतलब एक हटके टाइटल है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आज का जो लॉन्च है उसके बारे में। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो आप काम करते हैं वो दर्शकों तक पहुंचने वाला जो होता है पिक्चर जब रिलीज होती है तो एक कलाकार को क्या एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर सब बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है तन मन धन जो सब लगाया है उसके फलीभूत होने का समय आता है तो सबके लिए प्रसन्नता की बात है। आनंद जी के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने जो है फिल्म को रिलीज तक ले आए यहाँ तक क्योंकि हजारों लोग फिल्में बनाते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो ये खुशी की बात है। और टाइटल इसका बहुत बढ़िया है और मेकिंग बहुत अच्छी है। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है किशन जी ने और कलाकार तो सब माशाल्लाह सब अच्छे एक से एक हैं। और लेकिन सब ये सब चीज़ होने के बाद भी कई बार आपके पास पूरा मटीरियल है बहुत बेहतरीन डिश बनाने का लेकिन वो अच्छा नहीं बन पाता उसमें क्या मिसिंग होता वो है आदमी का। तो आपके आपको इस फिल्म को देख के लगेगा कि डायरेक्टर ने जो आत्मा है ना अपनी वो इस पिक्चर में डाली है तो इसलिए उस चीज़ का स्वाद मिलेगा आपको आनंद मिलेगा उसमें जो सस्पेंस है वो एक देखने में अत्यंत रोचक होगा। ये सबसे बड़ी सर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दुष्यंत प्रताप सिंह ने कोरोना जैसे पीरियड में जिसमें आदमी आदमी से मिलना पसंद नहीं करता था उस समय ये शूटिंग की तो उस समय कई परिवारों की दुआएं कई परिवारों का साथ हम लोगों के साथ रहा ये छोटी बात नहीं। दूसरी चीज़ ये सस्पेंस की कहानी है बहुत दिन के पश्चात ये आई है और ये पिक्चर वास्तव में बहुत ऊपर ले जाएगी क्योंकि दलेर मेहंदी साहब ने और बदनाम ना कर देना जो गाना है ये आज की तारीख में 4.5 लाख व्यूज पार कर चुका है ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे संतोषी माता पिक्चर थी ना जिसने बनाई थी वो बेचारा भटकता रहा लेकिन जब चली तो आज तक लग जाती है तो भी चलती है तो ये पिक्चर अच्छा है। सर बात करें कास्टिंग की बहुत बड़े कास्टिंग दिख रहे हैं मतलब रितेश जी भी है और दलेर जी भी है मतलब कुछ अलग ही नज़र आ रहा है तो इसके साथ में एक्सपीरियंस कैसा था आपका। बहुत बढ़िया क्या बहुत बढ़िया क्योंकि दलेर जी ने गाना गाया उसमें अभिनय नहीं किया उन्होंने हाँ दिल से उन्होंने गाना गाया वो एक स्पेशलिटी तो है ही है क्योंकि वो अपने आप में लेजेंड है। वो दलेर मेहंदी ऐसा नाम है कि जो पिछले 20 साल पुराने लोग बच्चे भी जानते हैं और आज भी उनको देखते हैं और जहाँ पंजाबी फोक सॉन्ग की जब बात आती है लोकगीत की जब बात आती है तो फिर तुनक तुनक तो ये हमारे लिए उपलब्धि है आपके लिए हमारे सबके लिए उपलब्धि है। और दूसरा हितेन तेजवानी जैसे कलाकार इस पिक्चर में बहुत मजा हुआ कलाकार है मैं हम लोग जानते हैं एक दूसरे को वैसे बहुत है लेकिन काम पहली बार किया था तो जैसा हमारे बारे में लोग बोलते हैं पांडे कि आप ऐसे आप ऐसे आप वैसे तो वैसे ही हम लोग उनके साथ काम करते भी लगा हाँ यार बहुत बढ़िया प्रोफेशनली आपको कोई टेंशन नहीं है कुछ भी अपना काम कर रहे हैं शूटिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है वो है मानवता ह्यूमन बींग वो उनके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी तो वो वाइब्रेशन सब जगह फैलती है वो काम पे उसका असर पड़ता है पूरी तरह अपने रोल पे हम फोकस होकर शूटिंग को करते क्योंकि और जगह फोकस होने का कोई चांस नहीं मिलता क्योंकि कोरोना है तो इसलिए खाली अपने काम पे फोकस काम से छुट्टी है। सर हम आपको बहुत सारे मूवीज में देखते आए मतलब बहुत साल से देखते आए तो क्या कुछ आपको ये अलग लगा ये मूवी में अलग लगा मान लिया पिक्चर क्या होता है पिक्चर एक ही है जब हम 100 साल बाद पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर एक ही कहानी है एक ही पिक्चर है सब पैटर्न एक ही सब लेकिन उसको बनाने वाला कौन है
उसमें आर्टिस्ट कौन है, उसमें मसाला किस तरह का पड़ा, उसमें मटेरियल किस तरह का पड़ा, वो स्पेशलिटी होता है। इसमें क्या है कि सस्पेंस है, सबसे पहले स्पेशलिटी इसकी किसी बात पे अलग हो जाती है, ये सस्पेंस है। दूसरा, बनाए किसने है। एक आदमी जो एक डायरेक्टर जो काम कर रहा होता है, चार फिल्म छः फिल्म बनाता है, रिलीज होती है, नाम भी होता है, तो उसका फिल्म बनाने के प्रति जो सोच है वो अलग हो जाती है, उसकी गुड मॉर्निंग अलग भाव में होगा। लेकिन एक डायरेक्टर जिसके लिए कोरोना काल भी चल रहा है, उसने अपने आप की प्रतिष्ठा को दिखाना भी, अपने टैलेंट को भी बताना है, पूरी फिल्म मेकिंग डायरेक्टर के हाथ में होती है, तो उसकी पिक्चर अलग बनेगी। कृष्ण जी ने जिस तरह से इसमें ताना बाना बुना है स्पेशली अपना किरदार कॉमेडी नहीं है, वो सस्पेंस है। और हर बार आपको लगेगा कि यही वो आदमी है, कुछ हर पाँच सीन के बाद लगेगा आपको ना ये वो आदमी है। तो वो जो धुक 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 वाला जो बना और एक दर्शक को जो आकर्षित करता है, तो वो सब कुछ आपको। जैसे कि टाइटल में मतलब शतरंज है, मतलब कौन राजा है, कौन रानी है, सब में है, परिवार में भी होता है, क्योंकि हम मनुष्य तो अब है, इससे पहले तो जानवर थे सारे, तो वो फाइट वाली जो टेंडेंसी है वो जीवन में सबकी होती है, मतलब सबके माने 80-90% जिन लोगों को ये नहीं ज्ञान होता कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से ऊपर उठ करके हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं होता है, वो खाली इस फिजिकल बॉडी को ले करके वो जिंदगी में सर्वाइव करते हैं, छोटा बड़ा एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मोहरे की तरह ट्रीट करते हैं, मैक्सिमम तो लोग ऐसे ही। तो वो चीज़ जो घरों में, परिवारों में, समाज में, ऑफिस में, अपने बिजनेस में वो जो होती है शतरंज वाला जो एक मोहरे वाली बात है, वो सब चीज़ का सही टाइमिंग के हिसाब से उसकी प्लेसिंग इसमें इन्होंने की है, वो हमारा। सर, जब डायरेक्टर जी ने आपको ये मतलब स्क्रिप्ट देखा, आपने पढ़ा, तो क्या रिएक्शन था आपका? डायरेक्टर साहब ने जब मुझे रोल के लिए बोला तो मेरे पास ना कहने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि काम ही नहीं था, लॉकडाउन चल गया था ना, और जो पैसे हैं आपके वो ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे में शूटिंग कब होगी ये नहीं मालूम था, तो ये लोग तो अन्नदाता बन के आए ऐसे में, और अन्नदाता मतलब जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो उसको उसके मन का खाना थोड़ी मिलता है, उसको तो पैकेट मिलते हैं, बाढ़ में कभी फंस जाते हैं, तो वो जो पैकेट दिया आपने उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। सर, कैसा था लॉकडाउन के टाइम में एक्सपीरियंस, जो सब लोग बंद थे, घर पे बाहर नहीं आना था, इतना 144 सेक्शन था, पुलिस लोग घूम रहे थे, ये टाइम पे मैं आपने शूटिंग किया और इतने सर क्रू और स्टार कास्ट को लेके, तो कैसा था माहौल? देखिए, सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थे उनका हमने पालन किया, मतलब किसी भी चीज़ में हमने कमी नहीं छोड़ी, बाहर से हाथ धोकर के आदमी को अंदर आना है और उसके पश्चात मास्क लगाना है, सारी चीज़ें हैं, और जिस समय शूटिंग होती थी उस समय उसको उतार करके सीधी शूटिंग पे बंदा आता था। रिस्क तो वास्तव में बहुत लिया, पर इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने अभी दुष्यंत जी के लिए दो शब्द कहे थे कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, ओ सलामत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को रास्ता दिखाती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने तो अपने परिवार का रोमांटिक लड़के को जिंदा कर दिया और बड़ी हिम्मत वाला किरदार आपने किया। सर, बात करें बॉलीवुड में, मतलब अभी आजकल बॉलीवुड की मूवीज ज़्यादा नहीं चल रही, साउथ का जो है मूवी मतलब एक डिमांड दे रहा है बॉलीवुड को, टक्कर देने वाला है, तो ये मूवी को लेके आप क्या मतलब कैसे सोचते हैं? ये OTT भी अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सब बड़े बड़े स्टार्स OTT पे आ रहे हैं, तो ये मूवी के बारे में आप कैसा मतलब ये मूवी लेके जाएंगे इतना कॉम्पिटिशन फील्ड में? इस मूवी का किसी मूवी से टक्कर तो कॉम्पिटिशन नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि कॉर्पोरेट माफिया जो पिक्चर रिलीज करते हैं वो बड़ी फिल्में करते हैं, लेकिन ये अपने आप में अपनी स्पेशलिटी लेके आती है। जैसे आपको पता नहीं पता है, जैसे हींग छोटी है, या नमक है, या जीरा मात्रा इनकी छोटी होती है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस ही बहुत महत्व है, तो वैसे ही दर्शकों के स्वाद में या उनके मनोरंजन के लिए ये पिक्चर जीरा, हींग, गनरैन और इस तरह का काम करें, सरसों के तेल ऐसा होता है, तो इसलिए इस पिक्चर को किसी से कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इसकी प्लेसिंग हो जाए, इसको अच्छे सिनेमा हॉल जब मिल जाएंगे, इतने के बाद दर्शक जा सकेंगे,
तो पिक्चर अपने आप में स्पेशल। तो मैं ये पूछ रहा था कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ के बारे में आपका क्या राय है? देखो बॉलीवुड वर्सेस साउथ का जो मामला, हम तो साउथ की करते हैं फिल्में, बॉलीवुड की भी करते हैं, और हम आलू हैं। आलू व्रत के दिन भी खाया जाता है, मटन बना लो कम पड़ गया उसमें भी आलू डलता है, आलू गोभी बना लो, आलू पालक, आलू पनीर, सूखे आलू, बॉइल्ड आलू, भुटके आलू, कुछ भी बना लो, हमारा काम वो है। लेकिन जो आपको भी लग रहा है, लोगों को भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि भैया फिल्मों का उतना असर नहीं रहा, तो ये सबक है, ये सबक उन निर्माताओं के लिए, उन कारपोरेट माफियाओं के लिए है कि अब उनको जो है इतना करोड़ों रुपये खर्च करके बेवकूफ़ी वाली पिक्चर नहीं बनाने के लिए उनको सबक मिला। तो अच्छी बात है, क्योंकि जब कारपोरेट माफियाओं का पैसा जब लुटा देंगे, जब बर्बाद हो जाएंगे, तब जाके एक्चुअल क्रिएशन पैदा होगा, एक्चुअल राइटर पैदा होगा, एक्चुअल डायरेक्टर पैदा होगा। अभी तो एक छत बनाई और छत के ऊपर एक और घर बना दिया, ध्वस्त तो होना ही है। जो हमारा बॉलीवुड का सिनेमा जो ध्वस्त हुआ है, वो नेचुरल बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि तब अच्छा होगा। जब किसी चीज़ का क्रैश हो जाएगी, जब टूट जाएगी, तब जाके पुनर्जन्म होगा, तब जाके उसका अंकुर फूटेगा। ये होना बहुत जरूरी है, इसीलिए अब हम हिंदी सिनेमा के अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहिए, मूवी कभी रिलीज होने वाली है? दर्शकों को सबको आपको यही कहना चाहूँगा कि आप किसी पिक्चर का व्यवसाय, उसका भविष्य आपके हाथ में होता है, क्योंकि आपके पसीने की कमाई से आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। किसी भी सिनेमा के प्रोड्यूसर के लिए आप उसका एक अंश, दर्शक तो सिनेमा के लिए, लेकिन आप अपनी जेब का पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो उससे एक नए प्रोड्यूसर को खड़े होने का अवसर मिलता है, नया डायरेक्टर पैदा होता है, नया निर्माता पैदा होता है। तो आप लोग जाइए, आपको निश्चित रूप से अलग स्वाद मिलेगा, सस्पेंस आपको भयंकर देखने को मिलेगा, आपका मनोरंजन होगा। बाकी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपकी मध्यस्थता हर कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बढ़िया कार्य करता है, आप जब तक मध्यस्थता नहीं दिखाएंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे, पेपर में नहीं आएगा, टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तो फेमस नहीं हो पाएगा। आप तो मैं आप हर आदमी को ये कहिए कि ये पिक्चर ज़रूर देखें और उसके बाद अपना विचार रखें, क्योंकि ये पिक्चर केवल इसलिए नहीं कि इसमें सस्पेंस क्या है जानने के लिए, जो चीज़ मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वरना आपका मजाक उड़ा। सही है, सही है, ठीक। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सर पहली बात तो ये है, सर डायरेक्टर मैंने जरूर इस फिल्म को डायरेक्ट किया, बट ये वासु की फिल्म है जिसे हेमंत पांडे साहब ने निभाया इस कैरेक्टर को, और मुझे एज ए डायरेक्टर ऐसे आर्टिस्ट मिले जो एक तरह से सुविधर होते हैं आपके करियर में, तो हेमंत पांडे उनमें से एक, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। देखिए, हमें सबसे बड़ी बात तो ये कि फिल्म सब एक होती है, पूरी दुनिया में एक ही पिक्चर होता है, लेकिन उसको बनाया कैसे जाता है वो स्पेशल होता है। उसके लिए एक आदमी का नाम होता है, वो है डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शो, चीफ, चाहे वो प्रोड्यूसर के साथ से बात करके पिक्चर को फ्लोर में लाने के बाद वो कलाकारों को इकट्ठा करना हो, सब कुछ हर जिम्मेदारी और हर चीज़ के लिए अच्छे बुरे का दोषी उसी व्यक्ति को बनाया जाता है। तो दुष्यंत जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कोरोना काल में, ऐसे दौर में जहाँ हमें ये लग रहा था पता नहीं अब कितने साल बाद शूटिंग हो रही, ऐसे में आपने शूटिंग करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके ज़्यादा धन्यवाद इस बात का कि उसका हमें हिस्सा बनने का अवसर दिया। तो वो हम शूटिंग उस दौर में की, मास्क लगे हुए, सब कुछ है, सैनिटाइजर, हाथ धोना, बात भी नहीं करना, गले लगने का भी सीन है तो आदमी सोच समझ में लग रहा, और हम खुद पिक्चर कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, और हमें खुद नहीं मालूम ये रिलीज तक हम बचेंगे कि नहीं, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं, हर आदमी अगले दिन टपक रहा है। तो ऐसे दौर में जीवन की जीवटता को फाइट करते हुए आप उस पिक्चर को आज रिलीज तक ले आए, ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, पिक्चर, हर पिक्चर का एक स्वाद होता है, फ्लेवर होता है, तो इसमें सस्पेंस है, दर्शकों को हर तरह का मनोरंजन चाहिए होता है, तो सस्पेंस को जिस तरीके से आपने पिरोया है वो सबसे बड़ी बात है, वो स्पेशलिटी है डायरेक्टर की, वही तो वो सब आपको उसमें ताना बाना देखने को मिलेगा। और मेरा जो किरदार है, उस किरदार को आपको देख के बार बार लगेगा कि हाँ यही कल्प्रिट है, यही वो आदमी है, लेकिन जैसे चार सीन आपके निकलेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये वो नहीं है। तो इस तरह का जो ये मेरी, मैं अपना पक्ष बता रहा हूँ,
लेकिन पूरी कहानी का जो ताना बाना है वो अपने आप में रोचक। नहीं, शतरंज का जो एंड है वो बहुत अलग है, मतलब किसी फिल्म से कंपैरिजन नहीं होता। आप इंस्पायर हो सकते हैं बट इट्स अ प्योरली सेपरेट सब्जेक्ट। इस तरह की फिल्म अभी तक एक्चुअली इस फिल्म की खासियत ही है कि इसमें जो एग्जैक्ट जो ट्रुथ है वो ऑडियंस पहले फिल्म से देखती है, उसके बाद जो सब कुछ चल रहा है ऑडियंस की आवाज़, ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आ कैसे गए अचानक से, इतनी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की, बिकॉज ऑडियंस देख तो रही है सिनेमा को बट उनको पहले वाला सीन उनके माइंड में एस्टेब्लिश है कि नहीं ये था अब ये है, तो उसके बीच में ताना वाना जो बना है दैट्स नॉट ईजी, बट वो इसके बहुत कमाल की थी और आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग उसको सक्सेस कर पाए और मुझे स्पेशली बहुत मजा आया। मेरे करियर की देखा जाए तो सबसे बड़ी फिल्म है। लॉकडाउन शूटिंग हुई तो चैलेंजेस क्या क्या होंगे? चैलेंजेस क्या, वो हेमंत भाई कहाँ बसाते थे दूर से, नमस्कार अपना खाना खुद ही बनवाना वहीं पे लाके, दो इनके स्टाफ थे वो बेचारे मास्क बांधे हर वक्त सैनिटाइजर, तो यही सब कैसे शूट किया। अब तो हम लोग सोफे बैठते तो डर लगता था कोई गया तो फिर सोफ़ा साफ़ करवाना है, फिर उस पर स्प्रे करो ये करो, और दिन में 2-3 बार पूरी यूनिट के हाथ से पूरा, और डेफिनेटली वो प्रिकॉशन लेना चाहिए। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लिया गया, इसीलिए आप देखो चाइना में अभी आप देख रहे हो कि अभी आज मैं न्यूज़ देख रहा था 60,000 पीपल लोग बेचारे नहीं रहे, तो हिंदुस्तान तो इस बने ईश्वर का आशीर्वाद है, तो इतना प्रिकॉशन लिया तभी लोगों की इम्यून पावर, ये सब काढ़ा पिया लोगों ने, एक्सरसाइज की, दौड़ लगाई, तो शायद उसी की बदौलत, और कहीं ना कहीं ये ईश्वर का देश है, गंगा जी का देश है, यमुना जी का देश है, भगवान शिव का वास है, तो मुझे लगता है कि यहाँ अध्यात्म, मेहनत, ईमानदारी, लोगों की विषय, लोगों की प्रार्थना एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद उसी ताकत की बदौलत हम ये पिक्चर बना सके और उसी प्यार में ये जो चल रहा है अभी हिंदुस्तान में, दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन हिंदुस्तान एक अलग ही स्टाइल में आगे बढ़ रहा है, तो ये सब उसी का नतीजा है। गड़बड़ तो देखो गड़बड़ तो ही फिल्म में शुरू से, तो गड़बड़ उसको और बदनाम न कर देना। बेसिकली एक इस फिल्म में डिस्को सॉन्ग है गुण अब्दुल्ला पे हम लोगों ने से फिल्म आया है, बहुत अच्छा म्यूजिक है उस गाने का, तो वो गाना है और दोनों गाने बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज 5वां दिन है तो बदनाम न कर देना का मतलब ओवरऑल अगर आप सब पूरा सोशल मीडिया सर्च कीजिएगा, जी के सारे जी म्यूजिक ने रिलीज़ किया, जी के हैंडल, दिलेर पाजी के हैंडल, हेमंत भाई का अपना, हम लोगों का, बाकी और जो लोग हैं मिला मिल के अप्रोच करिए अब तक 85-90 लाख के आसपास हम लोग का। इनफैक्ट आप सबके अलग अलग चैनल जो हैं जो भी कवर करते हैं, तो हम लोग तो व्यूअरशिप और उसको सबको एक साथ काउंट करते हैं, अगर 200 प्लेटफॉर्म पे है, फिर इसके अलावा ऑडियो प्लेटफॉर्म 268 ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, विंक हो गया, स्पॉटीफाई हो गया, तो ये मिला मिलू के अभी ओवरऑल वी आर लुकिंग। गूगल पे भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, दुनिया में कहीं बैठ के यू कैन फाइंड आउट कहाँ पे क्या चल रहा है, तो उस मामले में बात करें तो वी आर हैप्पी। ईश्वर का शुक्रिया, आभार उसने हमें मौके प्रदान की, प्रार्थना मौके मिलते रहे और ये फिल्म रिलीज़ हो। इस फिल्म को लेके हम लोग बहुत खुश हैं, कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि ये होगा वो होगा, होगा जो भी होगा, ईश्वर ने अब तक अच्छा किया तो अच्छा ही करेंगे हमारे साथ में, लेकिन ये सिनेमा रिलीज़ हो रहा है, पब्लिसिटी अच्छी लग रही है, लोग आ रहे हैं, आप सब लोग आके बात कर रहे हैं, तो यही नसीब नहीं होता लोगों को, तो कई फिल्में आती हैं बेचारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं मिल पाती किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, तो आप सब लोग आते हैं इतने प्यार से, शुरू से हम जब भी बुलाते हैं तब आते हैं, तो ये बड़ा प्यार है सबका, तो ये सब जो हो रहा है ये एक प्यार का नतीजा है, तो डेफिनेटली ये फ्लावर अच्छे बहुत फास्ट काम करते प्रोड्यूसर ने कहा होता है इतना फास्ट काम नहीं नहीं मुझे लगता है देखो मैं प्रोड्यूसर का डायरेक्टर हूँ, मुझे वो सेट पे हेमंत भाई देखते हो कभी नहीं करते ओ स्पॉट चाय लाओ ये लाओ वो लाओ, वो जो नाटकबाजी जो हम जब काम करते देखते थे वो मैंने कभी फॉलो की नहीं अपना। मुझे लगता है कि जब हम सेट पे आए तो प्रोड्यूसर का पैसा खर्च होना शुरू हो गया, जब जाएंगे तो वहाँ तक का पैसा है, तो उस पैसे में अगर हम हा हा ही हू कर रहे हैं ये कर रहे हैं डेफिनेटली हम लोग हंसते हैं, बट वो लंच टाइम में हंस लेते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट, या सेट के बीच में कुछ सीन ऐसा आ गया तो कुछ फट से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हमने किया कि सब रेडी है, डीओपी बैठा हुआ है और हम लोग बात करने आ रहे हैं। ये जनरली लोग करते हैं, होता ना कि जो जिनको पारिवारिक विरासत मिलती है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते, जैसे खाना नहीं बिगाड़ना चाहिए ना बोलते हैं, इसी तरह से आपको सेट पे भी, मेरा ये मानना है कि जब सिनेमा आप कर रहे हैं तो आपको उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए पैसे को, आप 2 दिन पहले जल्दी काम खत्म करो तो पैसे बच जाएंगे और सबका टाइम भी बचेगा और आर्टिस्ट भी फिर उसी रो में काम करता है, तो मेरा स्टाइल वो है और मेरा नहीं बहुत सारे डायरेक्टरों का स्टाइल वो है,
तो फास्ट नहीं, और फिर आर्टिस्ट आप अच्छे मिलते हैं आपको, वन टेक सब काम करते हैं, हेमंत पर पांडे जी हुए, हितेन हुए, कितना टाइम लगता है लोगों के, तो कि अभी किताब पढ़ने जैसा हो गया कि उपन्यास लो पढ़ लो, तो आई एम मेस्मराइजिंग बस, तो वहाँ संभावना ही नहीं किसी टेक की। हेमंत जी क्या कहेंगे, दुष्यंत जी एकदम फास्ट है कि एकदम जैसे कि और जो है बहुत बढ़िया, क्या होता है कि हम तो हमें तो कई तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन इनकी एक स्पेशलिटी है कि अपने काम के प्रति फोकस है, उन्हें मालूम है आज मैंने ये सीन निकालने हैं और इस सीन में ये इसमें भसड़ मचनी है और इसमें ईजी होना है, तो उस हिसाब से मेंटली वो तैयार रहते हैं और उसी तरह से वो चीज़ हम तक भी कन्वे होती है, तो जब दिल की बात दिल से कही जाती है तो ही दिल तक और मेरा मन हितेन तिजवानी बहुत बढ़िया एक्टर है। हम लोग कई एक जैसे रंगमंच करते हैं ना, थिएटर हम करते हैं, तो मैं उत्तराखंड में थिएटर करूं या दिल्ली में करूं, लेकिन कलकत्ता का कोई थिएटर वाला मुझे एक्टर मिलता है या दूसरे राज्य का मुझे मिलता है या कहीं उत्तर प्रदेश का या बिहार का मिलता है, तो वो सब कहीं ना कहीं हमको एक कौम जैसा लगता है, उसको हम पहली बार भी मिले हैं तो उसको वो संस्कारों में आदर सम्मान सब करना कैसे क्या करना वो सिखाया जाता है या वो सीख लेता है, रंगमंच की स्पेशलिटी होती है। वैसे ही हमारे सब कलाकारों में भी है, हम उसको 6 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले या पहली बार मिले तो लगता ही नहीं है क्योंकि माध्यमों से हमने उनको देखा है, लेकिन मिले नहीं है। वैसा ही हितेन तिजवानी के साथ भी हुआ, हम लोग जानते थे एक दूसरे को लेकिन काम पहली बार किया और ऐसे बन गए कि हंसी मजाक छोटी मोटी मुर्कियाँ शरारतें जो एज एन एक्टर हम लोग दिन भर लाइव रहते थे तो बहुत मज़ा आता था, और आज भी हम लोग मिलते हैं या बात करते हैं तो एक इस पिक्चर की वजह से एक रिश्ता होता है, तो बहुत बेहतरीन कलाकार। कब तक क्या 20 तारीख को रिलीज़ है फिल्म और ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग इसको, और आई होप कि सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, सब लोगों का प्यार हमको मिलेगा, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, कि वो इस फिल्म को देखने जरूर जाएं, और डेफिनेटली आप CG24 न्यूज़ और ब्रेकिंग खबर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बॉलीवुड की स्पेशली, क्योंकि बॉलीवुड आज मेरा मानना है बॉलीवुड के जो जर्नलिस्ट हैं वो ही एकमात्र एक ऐसा मामला है कि वो केवल एंटरटेनमेंट परोसते हैं, वहाँ कोई प्री प्लान नहीं, कुछ वायस नहीं, वो आते हैं डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, आर्टिस्टों की सुनते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, तो आप ज़रूर इन चैनल्स को देखिए, मनोरंजन कीजिए और जानिए कि हम लोग कितनी मेहनत करके और क्या क्या आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।